गोंदोड़ी ओपी अंतर्गत खास कुसुंडा हरिजन बस्ती में बीती रात अज्ञात चोरों ने चार दुकानों का एस्बेस्टस शीट तोड़कर करीब 60,000 रुपए की संपत्ति चुराकर फरार हो गए। घटना के संबंध में दुकानदारों ने बताया कि बीती रात हमारे राशन दुकान के एस्बेस्टस तोड़कर हमारे दुकान से नकदी सहित दुकान के सामान चुराकर चोर फरार हो गए। वहीं घटना के संबंध में बताया जाता है कि अशोक वर्णवाल के राशन दुकान से 7,000 रुपए के सामान सहित नकदी ले गए और दिलीप वर्णवाल के राशन दुकान और इंद्रजीत नारायण के जनरल स्टोर से 20,000 रुपए के सामान चुराकर ले गए हैं। वहीं उमाकांत शर्मा के राशन दुकान से 12,000 के सामान चुराकर चलते बने। वहीं मौके पर गोंदुड़ी ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्या घटना घटी? घटना रात को दुकान बढ़ा करके 9 बजे हर दिन की तरह दुकान बढ़ा के चले गए। सुबह 9:30 बजे आके दुकान की शटर जब खोलते हैं तो देखिए दुकान के अंदर में सीट कटा हुआ है, ऊपर छत का सीट कटा हुआ है और हमारी दुकान में चोरी हो गई। कितने की सामान चोरी हुई? लगभग 10-12 हजार रुपये का सामान। 12,000 रुपये पहले भी इस तरह घटना घटी है क्या? पहले कभी लगातार चार दुकान में चोरी हो गई है और प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक? प्रशासन की तरफ से अभी मैं गया नहीं हूँ, मैं जाके अभी देखूंगा। प्रशासन बुलाए हैं कि वे थाना पर आओ करके FIR करवाओ, जाऊंगा तो फिर FIR करवाऊंगा। तो चोरी की जानकारी हुई है दुकान में? चोरी हुई तो सुबह जानकारी मिली। कितने दुकान में चोरी हुई है? चार दुकान। कौन कौन सा दुकान है? वो दिलीप वर्णवाल, अशोक वर्णवाल, इंद्रजीत, टुकी। आपके दुकान से कितने की संपत्ति चोरी हुई है? 20,000। क्या क्या सामान था? सिक्का था और सामान था कुछ। थाना को जानकारी दी है? जानकारी दी है। थाना आए थे?